एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में शनिवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर टैक्सी स्टैंडों पर चार पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। इस दौरान नियम विरुद्ध ऑटो टेम्पो टैक्सी चलाने वाले गाड़ियों का चालान किया गया, साथ ही कई गाड़ियों को मौके पर ही सीज किया गया। इस दौरान चारपहिया वाहनों और टैक्सी की सघन चेकिंग किया गया। शनिवार को शास्त्री चौक स्थित टैक्सी स्टैंड पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने अचानक पहुंचकर स्टैंड से चलने वाली गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान जो गाड़ियां बिना नियम के मौके पर पाई गईं, उन गाड़ियों का चालान करने के साथ साथ कई गाड़ियों को सीज किया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक ने बताया, शास्त्री चौक पर ऑटो वाले, मैजिक वाले, जीप वाले अनाधिकृत रूप से सवारियां भरते हैं, उसी को लेकर सूचना पर कार्रवाई किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, हाँ भैया आ जाइए, कोई स्कूल नहीं लिखा हुआ है, तब आगे कोई भी स्टिकर लगा हमने कहा कोई चीज करिए। प्राप्त हो रही थी कि शास्त्री चौराहे पे ऑटो वाले या मैजिक वाले या जीप वाले खड़े होकर यहाँ पे जाम लगा देते हैं, अनधिकृत रूप से सवारियाँ भरते हैं। उसी बात को लेके हम लोगों ने यहाँ पे अचानक छापा मारा और दो गाड़ियों को सीज किया है और कम से कम 15 गाड़ियों का हम लोगों ने चालान किया है यहाँ पर। हम लोग अभी कारमेल स्कूल पर चेकिंग किया, वहाँ पर बिना हेलमेट वालों को जागरूक किया और उनको जिनका पहने नहीं तो उनका चालान किया। इसी तरीके से डीएम तिराहे पे हम लोगों ने जागरूक किया, अभी अंबेडकर चौराहे पे भी हम लोग करके आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ शास्त्री चौराहे पे आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नवल्स अकेडमी, जहाँ पे बच्चों को यातायात की जागरूकता के विषय में ब्रीफ किया जाए।